नमस्कार, आईएनई न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अंजलि शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से विभिन्न विभागों के लिए नव चयनित अभ्यर्थियों को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के 66 समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी, प्राविधिक शिक्षा विभाग के 204 अनुदेशक एवं लोक निर्माण विभाग के 130 कनिष्ठ सहायक सहित कुल 400 लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब नियुक्तियां योग्यता के आधार पर हो रही हैं। 6 लाख नियुक्तियों में कहीं भी नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर पाया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो योग्य है उसको नौकरी जरूर मिलेगी। आईएनए के लिए उदय सिंह यादव की रिपोर्ट। देश के अंदर यह हम 17वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, जिसमें अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को हमने सफलतापूर्वक चयन की प्रक्रिया को संपन्न करवा करके नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये जो नियुक्ति पत्र वितरित हुए हैं, इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग से और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से जिन अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक चयन हुआ है, उन सबको अब तक हमने नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया है। और मात्र 1.5 वर्ष की इस छोटी सी कार्यावधि में 55,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण करने का कार्य प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ है। आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर अब तक लगभग 6 लाख शासकीय नियुक्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दी हैं। और इन 6 लाख नियुक्तियों में कहीं भी नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर पाया। और आज के दिन पर किसी भी विभाग के नियुक्ति की कोई भी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित भी नहीं है या न्यायालय के द्वारा उसको स्टे भी नहीं किया गया है, क्योंकि शासन की मंशा पर आज के दिन पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। चयन आयोगों की मंशा पर, उनकी कार्य पद्धति पर आज के दिन पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। और चयन की जिस प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, हमारे शिक्षा आयोगों ने या विभिन्न विभागों के स्तर पर भी चयन की जो प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, उनमें पूरी पारदर्शिता और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है।